हिंदू कौम दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अपने बच्चों को कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करती है, कभी नहीं करती, करती नहीं। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने कभी गीता उठाया भी होगा क्लास टेंथ में, तो आपके पिताजी ने दो तमाचा मारा होगा, चल फिर से उठा ले, गीता पढ़ रहे हैं। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदू जो है वो इस फार्मूले पर भरोसा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो कहते हैं कि जो बात अनुभव से सीखी जाती है वो किताबों से कभी ना सीखी जाएगी। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिसको हिंदू प्रैक्टिकली मानते हैं। धर्म यानी शिक्षा, पहले आप शिक्षा ले लें। अर्थ, पैसा, खूब पैसा, रुपया कमाइए, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़। जब आप शहद खरीद लेंगे, मक्खी अपने आप आएगी, मक्खी भी आएगी, मक्खियां भी आएंगी, तब आप इस संसार को भोगोगे। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग, बहुत जबरदस्त वर्ड है भोग। आप आईएएस बन गए तो आपके रिश्तेदार लोग कहेंगे कि अरे भैया भोग रहे हैं, भैया मजा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं दिन भर। फिर डायबिटीज हो गई, फिर बीपी हो गई, फिर 30 बीमारियां हो गई, तो लोग कह रहे हैं अब भोगत हैं, बहुत हराम का पैसा कमाई नहीं, अब भोगत हैं। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। एक वर्ड के ड्यूअल मीनिंग है, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए कि भैया भोग रहे हैं मतलब मजा ले रहे हैं, भोगत हैं मतलब कष्ट में। और जैसे तुम भोगना शुरू करोगे तुम्हें ईश्वर की खुद ब खुद याद आएगी। इसलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी कंपेल नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा जिंदगी सिखाएगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम तो ऐसी पूजा करोगे ना। इसलिए हिंदुओं में जितने सन्यासी हुए उतना किसी और धर्म में नहीं हुए।